एक समय भारत मा तेमज गुजरात मा बौद्ध धर्म नो विशेष प्रभाव हतो, जे खास करीने गुजरात ना वडनगर मा जोवा मळतो हतो। पर शुं तमे जाणो छो के वडनगर मा खोदकाम माथी मळेला बौद्ध विहार अने स्तूप ते समय ना बौद्ध धर्म नो व्याप दर्शावे छे। वडनगर से सबसे बड़ी चीज तो जो है हमें एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, और उसमें से बहुत सारी चीजें मिली हैं कि जो दिखाती है कि ये बुद्ध लोगों का एक एक्टिव सेंटर था। काफ़ी वहाँ पर जो है लोग आ रहे थे, ऑफर कर रहे थे, उनमें हमें जो है बुद्ध भगवान का जो एक कहानी है उसका भी एक चित्रण मिलता है पत्थर में। उसके अलावा जो है वहाँ पर कई चीज़ें जो सीलिंग है, मुद्राएं हैं जिनमें लिखा हुआ है, वो ऑफर कर रहे थे स्तूप को। और इसके अलावा बुद्ध स्तूप का भी हमें एक रेप्लिका मिला है, उसकी प्रतिकृति मिली है मिट्टी में बनी हुई। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इनको हम आप धार्मिक अवशेष कह सकते हैं या धार्मिक जो है प्रतीक कह सकते हैं, वो वहाँ से मिले हैं। तो उससे कन्फर्म होता है कि बुद्ध जो है मठ वहाँ पर था। गुजरात में देव निमोरी ए एक स्थल हतु जेने बौद्ध महासंघ कहेवामां आवे छे, कारण के त्यां महास्तूप, बौद्ध विहार तेमज चैत्य एटले के बौद्ध मंदिर ना अवशेषो हता। एवुं कहेवाय छे के सैकड़ो वर्ष पहला सम्राट अशोके समग्र भारत में 80,000 थी वधु स्तूप बनाव्या हता। एवो ज एक स्तूप देव निमोरी में खोदकाम दरमियान मळी आव्यो छे। देवनीवरी में जो हमको एक महत्वपूर्ण बौद्ध विहार, महास्तूप और जो प्राचीन बौद्ध धर्म के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं, और उस पर गंधार जो बौद्ध स्थापत्य एवं कला है उसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। शू तमे जाणो छो के चीनी प्रवासी युएन सांग 7मी सदी में वडनगर आव्या हता। तेमना द्वारा उल्लेखित वर्णन में एवं कहेवामां आव्युं छे के वडनगर में बौद्धना 10 संघाराम हता। તેમણે ગુજરાતના ભરૂચ, વલભી જેવા બૌદ્ધ કેન્દ્રોની બેઠક પણ લીધી। વેનસાંગ કેવલ બુદ્ધ કી બાત નહીં કરતા, વો કહેતા હૈ યહાં પર 10 સંગારામ હૈ આનર્થ મેં, આનર્થપુર મેં, ઓર ઉસમેં 1000 મોંક કે કરીબ મોંક રહેતે હૈ। તો વો યે ભી કહેતા હૈ કે ઇસકે અંદર સેંકડો દેવસ્થાન હૈ, મતલબ સેંકડો કી બાત કરતા હૈ, 10 કી બાત નહીં કરતા, ઓર કહેતા હૈ ઇન દેવસ્થાનો મેં हमेशा कोई न कोई सचिव मुलाकात लेता है, मतलब इतनी इम्पोर्टेंस था। मतलब जब वो वल्भी में गए तो उसने देखा कि वल्भी कितना, क्योंकि वल्भी मैत्री कोश की राजधानी थी और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। मैत्री काल में वल्भी विद्यापीठ बनी और बौद्ध धर्म का बड़ा विकास हुआ था। वेनसांग ने तो इसकी नोट की है, वहाँ उनका विस्तार जो था 100 ली था, वल्भी का विस्तार था और वह 100 वह संगाराम थे और 5000 से ज़्यादा वह बौद्ध भिक्खु वल्भी में रहते थे, इतना बड़ा। और उसी टाइम का महत्वर का धर्म जो था गुजरात में बौद्ध धर्म था। 60% ऑफ पॉपुलेशन बौद्ध एम्ब्रेस इज बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का वो पालन करे थे। एट द टाइम ऑफ वैन दी युएनसांग ने विजिट की उसी टाइम पर इतना बड़ा प्रभाव था गुजरात में। तमे घणी वार सांभळ्यु हशे के बौद्ध धर्म अनुसार संघाराम हमेशा शहर नी बहार बनावामां आवता हता, परंतु वडनगर मां खोदकाम मां मळेल संघाराम शहर नी मध्य मां हतु जेमां भिक्षुणियो रहती हती। अंदर जो भिक्षुणी संघ का जो है वो हमने जब बाद में रिसर्च कराया, मतलब बात की लोगों से, कई स्कॉलर से बात की, ये किया, उनको जो वहां से लेख मिला था उनको दिया, तो फिर उन्होंने पढ़ा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये मूर्ति जो मिली है गांव के बाहर, वो मूर्ति किसी जो है भिक्खुणी संघ ने दान दिया है। तो क्योंकि अंदर एक्चुअली बौद्ध जो है मठ नहीं होते हैं किसी भी शहर के अंदर, वो कहीं दूर जंगलों में रहते हैं, तो यहाँ अंदर मिला है। पर वो भिक्खुणी संघ के लिए जो है वो उसमें थोड़ा वो छूट था, वो क्योंकि उनकी सुरक्षा की मतलब वो एक स्थिति है, तो इसलिए लगता है कि ये जो मूर्ति थी वो उसी संघ से गई है जो हमें घास घूल दरवाजे पे मिली है। बहुत ही जैसे कि हमें सैंध्यो जो राजा था अहिवर्मन द्वितीय, उसके शिलालेख से भी भिक्षुणी विहार का उल्लेख प्राप्त होता है। बाद में भुज के म्यूजियम में भी एक बुद्ध की जो स्थानक प्रतिमा है वहाँ भी एक बुद्ध
भिक्षुनि ने दान दिया है। अभी जो वडनगर से जो ईसा दूसरी तीसरी शताब्दी का शिलालेख है जो बुद्ध प्रतिमा पर है वो भिक्षुनि का दान बताता है। इस समय ऐसा लगता है कि सबसे प्राचीन बौद्ध भिक्षुनि का विहार ये वडनगर में था और बाद में वडनगर से ये पूरे गुजरात में ऐसा दिखाई देता है कि भिक्षुनों का बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। गुजरात में प्राचीन काल में ईडर नी साथे अन्य घणी जगह रॉक पेंटिंग ना पुरावा मळे छे जे बौद्ध धर्म ना प्रचार माटे बनावामां आव्या हता। रॉक पेंटिंग्स में जो बुद्धिस्ट जो स्तूप मिले हैं ईडर और गंभीरपुरा में तो वो इस तरह से पहले पेंटिंग्स है, लेकिन दूसरी जगह भी पेंटिंग्स मिली है लेकिन वो उसमें रॉक पेंटिंग स्तूप पेंटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसमें पेंटिंग उसने बनाए होंगे उसने कोई किसी के इन्फ्लुएंस के वजह से उन्होंने बनाए होंगे और इसी तरह से वो वडनगर और वडाली और देवनी मोरी के जो एंशियंट रूट था वो गंभीरपुरा और ईडर के पास गुजरता है, इसीलिए वो एंशियंट रूट और ट्रेड रूट पर जो भी आदमी या लोग ट्रैवल करते थे उनको ये पेंटिंग दूर से दिखाई दे रही थी। तो उनको मकसद यही था कि बुद्धिज़्म का प्रचार करना है, इसलिए उनका जो उद्देश्य था एम था बुद्धिज़्म को बढ़ावा देना है। वडनगर थी वलभी अने कच्छ देवनी मोरी सुधी समग्र गुजरात में बौद्ध धर्मनो प्रभाव अने इतिहास रह्यो छे। वडनगर में मळेला बौद्ध धर्मना अवशेषो पुरावो आपे छे कि गुजरात राज्य बौद्ध धर्मनु केन्द्र हतु अने गुजरात अने बौद्ध धर्म वच्चे विशेष संबंध हतो। लक्ष्मण राजपूत साथे सुमन बोराना नो अहेवाल।